किसी भी इंसान के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही असर पड़ता है और समय की स्थिति को देखते हुए ये ग्रह नक्षत्र हमारे भविष्य के बारे में भी बताते हैं। आपको बता दें कि आज हम आपको एक बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने से बने राजनीतिक संकट के बीच एक नाटकीय घटनाक्रम में 17 मई सुबह 9 बजे बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल के नेता येदियुरप्पा ने मिथुन लग्न में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। येदियुरप्पा की जन्म कुंडली में चल रही शनि की 7.5 और शपथ ग्रहण कुंडली में अष्टम भाव में अशुभ ग्रह मंगल और केतु का होना विधानसभा में बहुमत को लेकर नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुंडली का 8वां घर विवाद का घर कहलाता है। इनमें अशुभ ग्रहों की उपस्थिति परिस्थितियों को और भी उलझाएंगी, साथ ही नए विवादों को भी जन्म देंगी। इससे पहले नवंबर 2007 में येदियुरप्पा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र 7 दिनों के बाद उनकी सरकार बहुमत साबित न करने के कारण गिर गई थी। इसके बाद मई 2008 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उन्हें जुलाई 2011 में पद से इस्तीफा देकर कुर्सी को छोड़नी पड़ी थी। साल 2011 में ही उन्हें 23 दिनों के लिए भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में भी जाना पड़ा था। ये सब घटनाक्रम उनकी कुंडली में चल रही सूर्य की महादशा में हुआ था, जो कि धनु लग्न में भाग्य भाव का स्वामी होकर तीसरे घर में केतु से युत होकर शनि की अशुभ दृष्टि से पीड़ित है। 27 फरवरी 1943 को सुबह 3 बजे कर्नाटक के मंड्या जिले में जन्मे B.S. येदियुरप्पा की धनु लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में बैठे शनि एक बार फिर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी टेढ़ी नजर लगाए हुए हैं। येदियुरप्पा की कुंडली में इस समय चंद्रमा में शनि की विषोत्तरी दशा चल रही थी। धनु लग्न में अष्टमेश होकर 12वें घर में बैठे चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसने इनको कठिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तीसरी बार पहुंचा दिया है। लेकिन अंत दर्शनाथ शनि शत्रु भाव यानी कि 6ठे भाव में से महादशा नाथ चंद्रमा को देखकर उनके इस पद पर लंबे समय तक टिक पाने को लेकर शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 104 विधायक हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 8 की संख्या से कम है। 17 मई की सुबह जब येदियुरप्पा 9 बजे बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उस समय मिथुन लग्न में सप्तम भाव में बैठे शनि और अष्टम भाव में केतु मंगल की अशुभ स्थिति में आने वाले कुछ दिनों में उनकी सरकार पर पड़ने वाले संवैधानिक संकट का ज्योतिषीय संकेत दिया है। येदियुरप्पा की शपथ ग्रहण कुंडली में राज्य और सत्ता के कारक ग्रह सूर्य और चंद्रमा 12वें घर में होकर उनकी सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी हैं, जो कि आने वाले दिनों में येदियुरप्पा और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। मकर राशि में गोचर कर रहे मंगल और केतु अगले कुछ दिनों में कर्नाटक में बंद और राजनीतिक हिंसा होने का भी ज्योतिषीय संकेत दे रहे हैं। मिथुन में गोचर कर रहे शुक्र आजाद भारत की कुंडली में कमजोर अष्टक वर्ग बिंदुओं के साथ अगले 33 दिनों में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने का भी संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।